हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर इन डिटेल में, जो आपको क्या वीकली व्यू रहेगा। इसके साथ ही साथ हम लोग मंडे के सेशन में जो है कौन कौन सा लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और उसके साथ ही हम लोग स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से स्टॉक्स में जो है नेक्स्ट वीक में आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, जहां पे कि हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है बिकॉज ऑफ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। वीक ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अगर हम लोग निफ्टी के वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने के बाद जो है ऊपर से हम लोगों को अपर वीक रिजेक्शन देखने को मिला था प्रीवियस वीक। और अभी जो वीक ओवर हुआ है, इस वीक में अगर देखेंगे तो एक हम लोगों को नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिल रहा है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, वीकली कैंडल पे अगर हम लोग देखेंगे वीकली बेसिस पे, तो निफ्टी में जो है एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो निफ्टी बिल्कुल सेम ब्रेकआउट लेवल पे आपको ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया था और सेम लेवल पे जो है निफ्टी यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम लोग स्विच करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक में यहाँ पे निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको आया था। 18,000 के राउंड से जो है आपको ये रैली स्टार्ट हुआ था, एक बड़ा अपमूव हुआ, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को रिट्रेसमेंट दिखा। निफ्टी 3 डेज कंसोलिडेशन किया, फाइनली जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 18,500 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देके क्लोज दिया। लास्ट के आवर में यहाँ पे जरूर हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में एक शार्प पुलबैक देखने को मिला था, बिकॉज जो है वो आपको सपोर्ट जोन को एक हिट किया था और वहां से हम लोगों को एक अच्छा पुलबैक देखने को मिला था। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो कौन कौन सा लेवल इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो करंट सिनेरियो को अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में जो है आपको एक ऊपर के लेवल से हम लोगों को रिट्रेसमेंट दिख रहा है, और साथ ही साथ अगर छोटे टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो अपसाइड में आपको मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो जब तक स्टॉक जो है आपको अपसाइड में 18,700 के लेवल के ऊपर आपको निफ्टी सस्टेन नहीं करता, 18,725 इस लेवल के ऊपर जब तक आपको सस्टेन नहीं करता है, निफ्टी में हम लोगों को बड़ा अपसाइड देखने को नहीं मिल सकता है। रीजन है जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मल्टीपल रेसिस्टेंस है, एक स्विंग हाई का रेसिस्टेंस है, वापस से आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस है, इमीडिएटली आपको एक मेजर रेसिस्टेंस है। तो इसी वजह से ऊपर की साइड में आपको एक मल्टीपल रेसिस्टेंस है। अब नीचे की साइड आपको निफ्टी में कहाँ मूवमेंट हो सकता है, सबसे पहला पॉसिबिलिटी है निफ्टी में आपको फ्लैट खुलने का। अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद आपको नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है, तो फिर जो है कंफर्टेबली हम लोग यहाँ पे बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट ये आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे का लो रहेगा, और अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर हम लोगों को 18,350 तक का भी लेवल लो में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपको फ्लैट खुलने के बाद ऊपर की साइड निकलता है तो ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि इमीडिएटली आपको यहाँ पे जो है निफ्टी में रेसिस्टेंस हिट करता हुआ दिखेगा। तो ऊपर की साइड में जो है एक कंफर्टेबल ट्रेड हम लोगों को कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, जब तक कि निफ्टी 18,725 के लेवल के ऊपर डिसिसिबली सस्टेन नहीं करता है। अब अगर बिग गैप अप ओपन हो जाता है, जिसका कि चांस आपको बहुत कम है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोगों को वापस से जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इमीडिएटली जो है आपको रेसिस्टेंस लेवल पे ओपन होगा, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे, फाइव मिनट के बाद ही हम लोग जो है यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे पुल बैक के लिए वेट करना होगा, तभी जो है आप यहाँ पे कंफर्टेबली निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं।
रीजन है जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है, अगर वंस अगेन आपको गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और उस केस में जो है हम लोगों को एक शार्प रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी अगर आपको टू ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 300 टू 400 पॉइंट फॉल हो जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जो है आपको फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी में भी हम लोगों को जरूर पहले यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट उसके बाद जो है बैंक निफ्टी आपको काफ़ी शार्प बाउंस बैक किया 43,400 इस लेवल से जो है बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला। अब बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी जो है आपको अपसाइड में ही दिख रहा है। यहाँ पे अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे बैंक निफ्टी में तो वीकली बेसिस में अभी भी ग्रीन कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है, वीकली बेसिस पे अपने ऑल टाइम हाई पे जरूर क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर मोमेंटम देखेंगे तो मोमेंटम कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। बहुत ही छोटा छोटा कैंडल जो है बैंक निफ्टी में फॉर्मेशन हो रहा है और कंटिन्यूसली अगर देखेंगे तो प्रीवियस 4 वीक से जो है ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। तकरीबन अगर कहीं पर भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली अगर 4 वीक ग्रीन होता है तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखेंगे 3 वीक ग्रीन कैंडल बनाया, अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को। तो कहीं पे भी अगर कंटिन्यूसली 3 to 4 वीक ग्रीन कैंडल बनाया है बैंक निफ्टी ने तो वहाँ पे हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला है। डेली चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी जो है आपको ज़्यादा शार्प नहीं हो रहा है। क्लियरली यहाँ पे जो है आपको छोटा छोटा कैंडल बना के जो है बैंक निफ्टी आपको अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में जो है डाउनफॉल तभी पॉसिबल होगा जब बैंक निफ्टी आपको 43,330 के लेवल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है, इस रेंज को ब्रेक करके नहीं सस्टेन करता है, तब तक बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक अच्छा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। अगर 43,330 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर हम लोगों को बैंक निफ्टी में 43,000 या फिर 42,900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड जो बाई साइड के लिए ट्रेड रहेगा, जब तक जो है बैंक निफ्टी आपको 43,800 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, बैंक निफ्टी में हम लोगों को एक बड़ा बाई साइड के लिए ट्रेड नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली जो है हम लोग अपने बैंक निफ्टी के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको यूपीएल। यूपीएल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे भी एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, साथ ही साथ रेसिस्टेंस लेवल पे जो है वापस से स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड कर रहा है। तो 755 के लेवल के नीचे जो है यूपीएल में हम लोगों को एक बड़ा फॉल वापस से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कि नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो रहेगा आपको 700-710। तो यहाँ पे जो है यूपीएल में एक बड़ा फॉल नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, सेकेंड स्टॉक है हेवल्स। हेवल्स में भी जो है एक हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे वंस अगेन यहाँ पे भी हम लोगों को बुलिस बियरिस मारुबुजु कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो है स्टॉक अपने वीक के लोएस्ट लेवल पे ही फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ था, एक अच्छा फॉल हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से एक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट वीक में हम लोग वापस से जो है यहाँ पे फॉल कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे कि नीचे की साइड इस स्टॉक का जो टारगेट होने वाला है वो आपको होने वाला है 1050-1100। इस रेंज में जो है कहीं पे स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी जो है नेक्स्ट वीक में हम लोगों को एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में भी जो है आपको नीचे की साइड 5-6% का एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्ड स्टॉक है डीवीज लैब। डीवीज लैब क्लियरली वापस से अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। स्टॉक जो है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बड़े कैंडल के फॉर्मेशन के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद बियरिस मारुबुजु कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस स्टॉक में वापस से हम लोगों को एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे कि पहला टारगेट 3000 का रहेगा और 3000 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है 2750 का हम लोगों का दूसरा टारगेट रहेगा।
फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, फोर्थ स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आपको ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3250 के लेवल के ऊपर एशियन पेंट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टॉक जो है इसी छोटे से रेंज में आपको कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 3250 के लेवल के नीचे ऊपर आपको सस्टेन करता है तो फिर हम लोगों को इस स्टॉक में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक है आपको एच डी एफ सी बैंक। इस कॉल में भी आपको बहुत ही मजबूती के साथ एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग एच डी एफ सी बैंक पे, तो एच डी एफ सी बैंक में क्लियरली हम लोगों को एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और एक अच्छा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो रहा है नवंबर मंथ से। यहाँ पे अगर अपसाइड में ब्रेकआउट आता है तो फिर एक बड़ा मोमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को आपको ऊपर की साइड 1800 के लेवल तक लेके जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।